बेटे भगत सिंह। हाँ माँ। आज तेरी आंखों में पानी। हाँ माँ पानी। क्या मैंने माँ का लाड प्यार नहीं दिया? दिया है। तो क्या मेरी कोई परवरिश में कमी रह गई? नहीं माँ, बस मुझसे भारत देश गुलाम देखा नहीं जाता। अच्छा, हाँ तो कहना क्या चाहता है? पूछो मैं बताता हूँ। सुनिए मेरी बात। हो तेरी आँखों के माँ पानी आ गया, हो नूतन देख डरूं मैं। तेरा काम डरण का ना मेरी माता, जीऊं चाहे मरूं मैं। तेरी आँखों के पानी आ गया, नूतन देख डरूं मैं। तेरा काम डरण का ना मेरी माता, जीऊं चाहे मैं बताता हूँ। सुनिए मेरी बात। फिर पाट काल जा आवे सयो, ज्ञान दुखी हो रासे। फिर डटे तना डटता दिल बेईमान दुखी। हिंदुस्तान दुखी हो रहा मेरी आँखों के माँ पानी।
सजनों किसे किताब ने ठाक देख लो, चाहे कोई चीज ठाक देख लो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि आजादी आई गांधी जी के चरखे से। हर क्लास में सजनों हर किताब में यही पढ़ाया जाता है कि आजादी गांधी जी के चरखे से आई। लेकिन सजनों किसी कवि ने एक बात कही है कि वो चीखते चिल्लाते रहे, वो चीखते चिल्लाते रहे, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया कि आजादी आई चरखे से है, तो 25-25 साल के वो फांसी पे चढ़ने वाले जवान कौन थे। और सजनों किसी कवि ने कहा है कि अगर बात करते हो मोहब्बत की, तो सजनों वतन से बड़ा कोई सनम नहीं होता। सजनों अगर बात करते हो मोहब्बत की, तो वतन से बड़ा कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरते देखे हैं हमने कई, लेकिन तिरंगे से बढ़कर कोई कफन नहीं होता। और कैसे दूसरी बात में भला के बता दिया। हाँ माँ, इस देश को आजाद कराने के लिए अगर तेरी इस माँ की कहीं भी जरूरत पड़े तो आधी रात को याद कर लेना, ये तेरे साथ है बेटे। नहीं माँ, मुझे तो बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अच्छा हाँ, तो सुनिए मेरी बात। सुनाइए।
हाँ माँ। तूने इस लड़ाई में पैर रख ही दिया है तो बेटे चाहे सर कटवा लेना पर पीछे मत हटना। बिल्कुल माँ, आपका बेटा सर कटा सकता है मगर झुकाएगा नहीं। तो सुनिए मेरी बात। सुनाइए। शहीद नहीं हुआ, भगत सिंह मरा नहीं है सजनों। आज भी हर युवा के, इस हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में भगत सिंह बसता है। और सजनों, किसी कवि ने एक बात कही है कि क्यों मरते हो सनम के लिए, दुपट्टा भी न देगी कफन के लिए। अरे क्यों मरते हो सनम के लिए, दुपट्टा भी न देगी कफन के लिए। अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। और सजनों, कैसे आखिरी बात में भला के बता दिया। और बेटे भगत सिंह। हाँ माँ। इस देश को आजाद कराने के लिए कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहने का मतलब देश आजाद भी हो जाए और किसी का नुकसान भी ना हो। बिल्कुल माँ, ऐसा ही होगा। तो सुनिए मेरी बात। Thank you.
सुख